हे गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो गाइज, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक वन स्टार्ट हो चुका है। बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो अपना कारोबार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। गाइज, अगर आप अपने कारोबार के लिए लेना चाहते हैं लोन, या फिर आपके घर में कोविड 19 की वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, या फिर आपको शादी के लोन चाहिए, या फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए जरूरत है लोन की, तो गाइज आज ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा ट्रस्टेड बैंक लेकर आया है जो आपको देने वाला है 1 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का लोन। जी हाँ गाइज, इस वीडियो को थंबनेल और टाइटल लेकर भी आपको समझ आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक्सिस बैंक की, और एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जो ट्रस्टेड और भरोसेमंद बैंक है जहां पर आप लेने वाले हैं आज लोन। एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे, कितने इंटरेस्ट पर आपको यहां पर लोन मिलेगा, किसको लोन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, कहां पर लोन मिलता है और कहां पर नहीं मिलता, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। लोन किस तरीके से अप्लाई करना है आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना, और अगर आप एक नए मेहमान पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, देखते हैं कैसे लेते हैं एक्सिस बैंक से लोन, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आप एक्सिस बैंक से लेना चाहते हैं लोन तो उसके लिए आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं इनके पास तकरीबन 8 से 10 तरह के लोन हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जरूरत है होम लोन की तो आप यहां पर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन आप यहां पर ले सकते हैं, टू व्हीलर लोन आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है, गोल्ड लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट एफडी आप यहां पर ले सकते हैं, अगर आपने एफडी कर रखी है तो उसके अगेंस्ट आप यहां पर लोन ले सकते हैं, होलीडे लोन आप यहां पर ले सकते हैं। लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। बिजनेस लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहां पर बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूं, पर्सनल लोन किस चीज़ के लिए जाते हैं गाइज, अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, शादी के लोन चाहिए, ठीक है, होम रेनोवेशन के लोन चाहिए, या फिर आपको अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, उसके लिए आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से अपने बिजनेस के लोन चाहिए, नहीं बड़ा लोन चाहिए, तो आपको फिर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपको थोड़े पैसे की जरूरत है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक की, तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन का यहां पर एक टैब आपको दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्टली चाहे तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। मैं आपको यहां पर पहले बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं एक्सिस बैंक से क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने हैं, क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता होगा एलिजिबिलिटी क्या होती है एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए, तो आप अप्लाई तो कर देंगे ऑनलाइन लेकिन उसके आगे के स्टेप आपको समझ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपने लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या हुआ अभी यहां पर देख लेते हैं। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर पर्सनल लोन का एक पेज ओपन कर लिया है, और इस पेज को मैंने पूरी तरीके से हिंदी में कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से एलिजिबिलिटी क्या होती है एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए। आप अपनी लैंग्वेज को ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर करने के बाद, अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद लोन के लिए अप्लाई करना है। गाइज यहां पर ये बोले भाई पर्सनल लोन होते क्या है, आप सभी को पता है गाइज, अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, शादी के लिए आपको लोन चाहिए, होम रेनोवेशन के लिए आपको लोन चाहिए, या फिर आपको किसी भी जरूरत में अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक बिजनेस लोन चाहिए तो आपको अलग से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपके घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई है तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पर गाइज 50,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, यहां पर इन्होंने लिख रखा है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपको यहां पर लोन मिलने वाला है, यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम आपको यहां पर 50,000 रुपये का लोन मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई पर्सनल लोन लेने के लिए एक्सिस बैंक से आपकी जो उम्र है कम से कम 21 साल होनी चाहिए, आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होने चाहिए, वैलिड इनकम प्रूफ और वैलिड रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक्सिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और नीचे आप यहां पर देख सकते हैं ये बोल रहे हैं भाई 50,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक के लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, 12 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए आपको यहां पर लोन मिल सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पर डॉक्यूमेंट्स की, एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए आपको यहां पर क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे गाइस, वो भी आप थोड़ा यहां पर समझ लीजिए। यहां पर ये सबसे पहले बोल रही है भाई एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन कौन ले सकता है। गाइस मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप सैलरीड डॉक्टर हो, चाहे आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काम करते हो। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर सैलरीड प्रोफेशनल
इंप्लॉय है तो आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र आपकी जो है यहां पर 60 साल होनी चाहिए, ठीक है। यानी 21 से 60 साल के बीच आपकी उम्र होना चाहिए तभी आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम मंथली सैलरी कम से कम 15,000 रुपए महीना होनी चाहिए। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो भी आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर ये बोले भाई आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होगा लोन लेने के लिए, कंप्लीट फिल करना है उसको। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे जिसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इनमें से आप यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ई साइन एग्रीमेंट वगैरह देने होंगे, नेक फॉर्म आपको साइन करने के बाद देना होगा ताकि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटती चली जाए। अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्या लगने वाला है उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वैसे मिनिमम यहाँ पर 8.10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आपका लगने वाला है और मैक्सिमम 12.24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आपका यहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी सूची उन्होंने यहाँ पर दे रखी है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, आपकी पेनल्टी क्या लगेगी, वो अच्छी तरीके से आप यहाँ पर पढ़ने के बाद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर लोन आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं आप एक्सिस बैंक से दो तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो तो है ऑनलाइन, आप जो है ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। और जो दूसरा तरीका है वो है इसका ऑफलाइन अप्लाई करने का, यानी आपको एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाना है और वहां पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा जिससे आपको भरने के बाद लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आपने डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल लोन आवेदन पत्र डाउनलोड करें यहाँ पर लिखा आ रहा है ना, तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है पर्सनल लोन समझौता एग्रीमेंट, यानी आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट फॉर्म भी आपको डाउनलोड करना होगा। आपको पहले ये सिलेक्ट करना है कि आप 36 महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर आप जो है यहाँ पर 36 महीने से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको 36 महीने से ज्यादा का लोन चाहिए तो आपने नीचे वाला आपको एग्रीमेंट फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आप 36 महीने के लोन लेना चाहते हैं तो आपने जो लोन एग्रीमेंट फॉर्म ऊपर वाला ये डाउनलोड करना है। अगर आप पर्सनल लोन आवेदन पत्र डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद ये किस तरीके का दिखता है वो भी आप यहां पर इसको देख लीजिए। गाइज पर्सनल लोन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है, आपने इसको कंप्लीट फिल करना है। फिल करने के बाद साइन वगैरह करनी है, ठीक है, नीचे से तक आप देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके साथ अटैच करने हैं और आपने इसको जो है भरने के बाद अपनी ब्रांच के अंदर दे देना है। लोन एग्रीमेंट फॉर्म डाउनलोड आपने यहाँ पर करना है, उसके बाद ये लोन एग्रीमेंट फॉर्म है, ठीक है, ये 15 पेज का होता है। अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपने इसके अंदर साइन करने हैं। साइन करने के बाद आपने इसको जो ब्रांच है एक्सिस बैंक की वहां पर इसको दे देना है। यानी आपको जो पर्सनल लोन फॉर्म फिल करना है उसके साथ में आपने इस एग्रीमेंट को अटैच करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने के बाद अच्छी तरीके से साइन करने के बाद आपने जो है एक्सिस बैंक की जो ब्रांच है वहां पर इसको दे देना है और लोन के लिए आपने अप्लाई कर देना है। पहला तरीका तो है लोन अप्लाई करने का ये। तो गाइस सबसे ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं पर्सनल लोन का एक टैब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, अभी अप्लाई करें पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइस ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी आप यहां पर अपनी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी सिटी हो आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप अपनी सिटी सिलेक्ट करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये बोले भाई 3 स्टेप में आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर लोन ऑफर मिलेगा, उसके बाद आपने यहां पर पर्सनल लोन डिटेल देनी है, उसके बाद लोन सेक्शन में आपको जाना है लोन के लिए अप्लाई करना है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, पैन कार्ड नंबर डाल देना, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पेज के अंदर आपको इंस्टेंटली लोन ऑफर मिलेगा। उसके बाद आपने जितना भी ऑफर आपको मिलता है लोन के लिए अप्लाई करना है। पर्सनल डिटेल आपको यहां पर देनी है। लोन सेक्शन में जाकर लोन के लिए कंप्लीट आपको फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं और लोन आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए। इससे आगे के स्टेप आपको तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि लोन मुझे नहीं चाहिए, लोन तो आपको लेना है, तो इसलिए आपको यह फॉर्म कंप्लीट फिल करना होगा। जब आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, पैन कार्ड दे देंगे, अगर आप लोन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके पास वापस कॉल आएगी एक्सिस बैंक की ओर से, वो बोलेंगे भाई आपको लोन चाहिए, आप बोलना चाहिए, तो आप जो है इनकी जो ऑफिशियल ब्रांच है वहां पर जाने के बाद भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप एक्सिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई घर बैठे इस लॉकडाउन में भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अगर आप एक नए बने पहली बार देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक वीडियो से, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।